नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सोशल मीडिया पर इन दिनों खबर ये चल रही है कि सीमा हैदर 31 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान चली जाएगी। खबर ये भी है कि सीमा हैदर अपने चार बच्चों को भारत में ही छोड़ देगी। आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है और कैसे पाकिस्तान जाने की ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। क्या सीमा हैदर चली जाएगी पाकिस्तान, क्या है इसके पीछे का राज, चलिए आज करते हैं इस वायरल खबर का टेस्ट। जी हाँ, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें ये चल रही हैं कि 31 दिसंबर को सीमा हैदर पाकिस्तान लौटने वाली है। आखिर इसके पीछे का सच क्या है? पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ अपने प्यार के खातिर भारत आई सीमा हैदर का मामला सुर्खियों में है। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर अब फिल्म बनने जा रही है। जॉनी फायर प्रोडक्शन हाउस के अमित जॉनी ने सीमा की लव स्टोरी पर कराची टू नोएडा फिल्म बनाने की घोषणा की है। इसे लेकर के नोएडा में ऑडिशन भी चल रहे हैं। सीमा हैदर पर फिल्म बनाने वाली अमित जॉनी ने कहा कि उन्हें मेरठ के सपा नेता अभिषेक सोम ने धमकी दी है कि अगर सीमा को लेकर के फिल्म बनाई जाएगी तो सेट पर आकर के तोड़ फोड़ की जाएगी। इसके बाद अभिषेक सोम और अमित जॉनी के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई। अभिषेक ने ट्वीट करके लिखा कि देश के गद्दारों को हिंदुस्तान में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, अपनी हीरोइन को लेकर के पाकिस्तान चले जाइए। इसके बाद सपा नेता अभिषेक सोम ने सीमा हैदर और अमित जॉनी का मुंबई से कराची तक का गल्फ एयर से टिकट कटवा दिया। बता दें ये टिकट 31 दिसंबर 2023 का है। सपा नेता अभिषेक सोम ने सीमा हैदर के साथ अमित जॉनी का मुंबई टू कराची टिकट बुक करा दिया, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि सीमा हैदर के चार बच्चों का टिकट बुक ही नहीं कराया गया है। बता दें कि सीमा हैदर इस वक्त नोएडा में रह रही हैं और फिल्मों के ऑफर लगातार सीमा हैदर को आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही अब कराची टू नोएडा फिल्म दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी। इस फिल्म में सीमा हैदर के जैसे ही दिखने वाले कैरेक्टर को लिया गया है, जिसमें सीमा और सचिन की लव स्टोरी को बताया जाएगा। सरहद पार की ये लव स्टोरी कितनी लोगों को पसंद आती है, ये देखने वाली बात है। तो देखा आपने कि कैसे अब सीमा हैदर का मामला राजनीतिक जंग में बदल चुका है। एक और जहां कराची टू नोएडा के डायरेक्टर और समाजवादी पार्टी के नेता एक साथ जुबानी जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान जाने की टिकट समाजवादी पार्टी के नेता ने सीमा हैदर की कटवा ली है। फिलहाल सीमा हैदर पर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जल्द ही चार्जशीट सामने होगी। और क्या सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलती है या फिर सीमा हैदर को संदिग्ध माना जाता है, ये आगे आने वाले समय में तय हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखना है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।